ये वाले नशे तो भैया माइनक्राफ्ट में होते थे ना, मतलब हीरो ब्रायन को बचाए या फिर दोस्त को बचाए। सही है, बीजी वाले भी अडेप्ट कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। वेल, ये वाला म्यूजिक मैंने सुना है, ठीक है, एंड जिस हिसाब से ये बंदा खड़ा है ना, कुछ भयानक होने वाला है, ठीक है। मतलब पहले बता दो, ये म्यूजिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेल, मैं श्योर हूं कि भैया इस छुरी के साथ है ना बहुत गंदा हादसा होने वाला है, ठीक है। एंड मुझे पता था कि इसे इसके इस छुरी के नाल यही होने वाला है। What is up boys and girls? के हाल। तो जैसा तुम सभी को पता होगा भैया, पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टार्टिंग में एक शॉर्ट वीडियो पर रिएक्ट किया था। एडवल वो वाला सीन तुम लोगों को बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा भैया क्यों ना एक सेपरेटली है ना रिएक्टिंग वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर रिएक्ट करूंगा। एडवल भैया उसके अलावा मेरे को उसी वाली वीडियो पर तुम लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि ब्रदर हमारी शॉर्ट वीडियोस पर भी रिएक्ट करो। तो वेल देखो भैया, ऐसे ढूंढने बैठूंगा ना तो बहुत सारी है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम भैया कोई भी शॉर्ट वीडियो बना सकते हो मेरे से रिलेटेड, है ना। एंड वो वीडियो भैया फनी होनी चाहिए, पहले बता देता हूँ। एंड या तो तुम उस वीडियो के टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में @AtomicsNight यूज कर लेना, ठीक है। हाँ, मतलब मुझे टैग कर लेना, ये तुम डिस्प्ले में देख सकते हो ना इस तरह, ठीक है। उससे होगा क्या कि तुम अगर वो वीडियो पोस्ट करोगे ना विथ माय टैग, तो मुझे भैया एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया इस बंदे ने तुम्हें टैग करके एक वीडियो बनाई है, देन उसे ढूंढना इजी हो जाएगा। बट वेल, एक चीज मैं पहले कह रहा हूँ, वीडियो फनी होनी चाहिए एंड मेरे से रिलेटेड होनी चाहिए, देन ही मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। मतलब पता चला भैया कि तुमने मुझे टैग करके ना किसी सकीरा वकीरा का गाना डाल दिया, उस पर मैं क्या रिएक्ट करूंगा भाई। समझ रहे हो ना मेरी भावनाएं। जी हाँ हाँ, और टैग जरूर करना, अदरवाइज मुझे ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर बाद में कहोगे कि ब्रदर तूने रिएक्ट ना किया ना ना, समझ रहे हो ना। हाँ, ओह म्यूजिक तो भैया काफी चौका सा लिया है। एंड टाइटल देखो तुम, इफ लूप बिकम नल एंड रिवेंज बुली इन बैड वॉर्स। और उस हिसाब से म्यूजिक भी काफी सही है। हाँ, एंड ये है वो बंदा, इसका चैनल का नाम भी यही है, ठीक है। जो चैनल का नाम होगा ना वही प्लेयर का नाम भी होगा मेरे हिसाब से, और इसका नाम तो यही है, तो या पहली बार है ना ऐसा नूब देख रहा हूँ जो प्रिंस रैंक पे है, और पहली बार ऐसा प्रो देख रहा हूँ जो ना क्या बोलो उसे ब्रॉन्ज रैंक पे है। ओए, मेरी तरफ कौन इशारा कर रहा है, वीडियो देखो। भैया ये तो सरासर साफ पता चल रहा है कि ब्रदर तूने सिर्फ वीडियो के लिए मरा है, अदरवाइज तू उसकी ना कब की खटिया खड़ी कर सकता था। बट खैर, मतलब सही है, एंटरटेन करो, है ना, एंटरटेनमेंट चाहिए हमको। तो वैसे एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा ब्रदर ने स्टोरी उसमें मैसअप कर दिया, यानी मतलब थोड़ा मतलब इसको हाइड वाइड करना था बट वो नहीं कर पाए, है ना। बट एक चीज है, ब्रदर का जो मतलब है ना कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह से उसने ये चीज प्रेजेंट की है, आई लाइक इट, ठीक है, आई डेफिनेटली लाइक इट। ब्रदर ने ये एक तरह से ना मूवी टाइप में दिखाने की कोशिश की है इसको। इंप्रेसिव बॉय, इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव। 15 मिनट लेटर है जी, 15 मिनट में ऐसा क्या हो गया, बंदा सामने खड़ा है, अगर तू उसके सामने ट्रांसफॉर्म होगा ना 15 मिनट में बैट तोड़ के तेरे को ऊपर वाले के पास पहुंचा देगा वो। This is happening boys and girls, this is happening. अपना छोरा ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, एंड अब ये ट्रांसफॉर्म होकर सुपर सैयन गॉड बनेगा क्योंकि ये रेड कलर। भाई साहब ये देखो, वो छोरा गुर्रा किस तरह से रहा है, एंड इसके पीछे जो सडनली ब्रदर क्या ही मतलब
लिया है तूने यार एंगल, आई लाइक इट। ओके एडिटिंग के नजायज फायदे भाई साहब, आई लाइक इट एक्चुअली, है ना। बॉय भाई ये सडन ट्रांजेक्शन देखा तुमने, आई लाइक इट। इस बंदे की फटली सब्सक्राइब, जी हाँ अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई मेरे को पहले तो ये बताओ ये छिपकल की नजायज औलाद है ना, इस तरह नाच क्यों रही है? भाई ऊपर से नरूटो नीचे से लिजर्ड मैन, बनना क्या चाहता है ब्रदर? और ऊपर से गोकू वाला हेलो भी है, यानी पूरा एनीमे का थ्रीसम करवाया है सूर्य ने, आई लाइक इट। ओके बट म्यूजिक की जिस तरह की टोन है ना भाई, आ रही है फीलिंग अंदर से, ठीक है, गूज़बम्प वाली। दैट्स नॉट गुड यार, तब तेरे की भाई कसम से कह रहा हूं, मतलब वो एकदम मतलब शडरी फ्लैशी टाइप का ट्रांजेक्शन लेके आता ना ब्रदर, कते मजे आ जाते। एक और ब्लॉकमैन गो वर्सेस माइनक्राफ्ट का बैटल, हाँ वेल इसको देखने में मजा आएगा। तो अपने सार को भैया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनक्राफ्ट अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, जो काफी सही है एंड खतरनाक भी, क्योंकि शार्क खतरनाक ही होती है, राइट? 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इसको, एज आई एक्सपेक्टेड। ओह बॉय व्हाट द हेल, ब्लॉकमैन गो, अब देखो तुम हमारी बॉडी, शार्क को भैया के भैया पसीने पसीने छूट गए, यो का मजाक हो रहा है हमारे नाल। बट मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, जो ये एपिसोड है ना ये वाला करेंटली जो चल रहा है, ये जो जिसका ये दृश्य है, उसमें भैया बाद में जब पहले तो अपना ये शार्कों को बॉडी दिखा देता है, बट बाद में जिग किया ना जिप बना के शार्क को फेंक देता है इसी एपिसोड में। ओके तो अब होने वाले थोड़े ड्रैगन बॉल सुपर के नजायज नशे, हाँ एंड अपना गोकू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉकमैन गोको एंड ब्रोली रिप्रेजेंट कर रहा है माइनक्राफ्ट को, अच्छी बात है। भाई देखो अभी के लिए माइनक्राफ्ट और ब्लॉकमैन गो का बैटल साइड कर देते हैं, जब ये मूवी में ये वाला सीन आया था ना भाई कसम से कह रहा हूं अंदर से ना पूरे गूज़बम्प ठाड़े हो गए मेरे, मैं एकदम भैया वो हो गया कहता मेरे, ये क्या नशे है भाई साहब, शानदार था एक्चुअली, है ना वो। भाई देखो एक चीज और मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, जो ये ब्रोली और गोकू का बैटल हुआ था ना एंड में जाकर, है ना, गोकू ने वेजिटा के नाल फ्यूजन करके वेजिटो का भी वो किया था, बट फिर भी है ना इनका बैटल टाई गया था, ना कोई हारा था ना कोई जीता था। तो तुम कह सकते हो यहाँ पर भी एक रेफरेंस मिल रहा है अपने को, ब्लॉकमैन को और रोब्लॉक्स का मिलकर अगेंस्ट माइनक्राफ्ट। तो भाई मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि ये जो ब्लॉकमैन को वर्सेस माइनक्राफ्ट वाले बंदे होते हैं ना, कि मतलब इन दोनों के अगेंस्ट में मतलब बीम बैटल करवाएंगे और है ना ब्लॉकमैन को मतलब हाई दिखाकर जितवाना चाहते हैं, भाई वो खुद ही बेइज्जती करवा बैठते हैं उसकी, मतलब फिर लोग कहते हैं कि मैं मतलब ब्लॉकमैन को हेट करता हूं, इवन मैं करता हूं, बट फिर भी भाई बनाने वाला खुद ही इसी तरह बना रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। एंड ये वाला क्लिप मुझे याद है जब ब्लॉकमैन गोको आया था, तो उस टाइम कुछ था इसका सीन, है ना, मतलब एनिमेशन आया था उस टाइम बैड बॉयज का न्यू अपडेट में, तो क्या वही सीन है ये। अबे ये क्या हो गया ब्रदर, घिसलता घिसलता ब्लॉक में ही जा घिसा, पसली टूट गई होंगी मैं 100% बता रहा हूं। ओए ये क्या नजायज नाच हो रहा है, भाई साहब अभी बनाया किस बंदे ने यार, इसके बाद देखना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली, है ना। Three days later.
हाँ इसका मैं समझ चुका हूँ, मेरे साथ कल के ही एपिसोड में हुआ था ये वाला सीन। मतलब भाई मैंने उन बंद उन उस टीम की पूरी ऐसी तैसी कर दी, बट उसका एक नूब बंदा मेरे ऊपर TNT फोड़ के मार गया साला। भाई इसमें दिखाना चाहते हैं मेरे हिसाब से ये ब्रदर।